तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टू ब्लेड फर्राटा फैन वाइंडिंग किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी 10 सेंटीमीटर आउटर डाया और यहाँ पर जो है इसकी मोटाई देखी जाए तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। ठीक है, स्टेटर की। तो यहाँ पर अगर आपको स्टेटर की मोटाई अगर 2.5 सेंटीमीटर मिलती है तो कोई बात नहीं, आप इसी डाटा का यूज़ करना। अगर 1.5 सेंटीमीटर भी मिलती है तो आप इसी डाटा का यूज़ करना। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी क्वाइल जो है क्वाइल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको डाटा सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको 32 और 30 नंबर का तार यूज़ करना है तो यहाँ पर 32 नंबर तार से जो है इसमें टन की बात करी जाए तो 210 टन डलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग तार है ये और यहाँ पर जो आपको ना रनिंग तार जो आ जाता है, यहाँ पर जो 30 नंबर तार से आपको रनिंग की क्वाइल बनानी है और यहाँ पर जो आपको 220 टन करनी है। ठीक है, तो टन से मेरा मतलब है कि भाई क्वाइल में कितने तार भरने हैं। ठीक है, क्वाइल में कितने तार रहेंगे तो यहाँ पर 220 तार रहेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक बांक ले लेनी है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है घुमा के इसमें जो है स्टेटर को फंसा कर और यहाँ पर साइज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको साइज कुछ एक मोटा तार ले लेना और यहाँ पर जो है जिस तरीके से अपनी पूरी क्वाइल डाली जाएगी उसी तरीके से आपको पहले इस तार को डालकर देख लेना और वहीं पर जो है जितनी इस तार की लेंथ बैठेगी उसी हिसाब से आपको क्वाइल को बना देना है। ठीक है, जो है यही इसी तरीके से आपको मतलब कितना भी बड़ा मिस्त्री हो वो भी इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है साइज निकालता क्वाइल का। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्वाइल पिच 1 से 8 में एक बार घुमाना, क्वाइल पिच 10 में एक बार, फिर से क्वाइल पिच 12 में, क्वाइल पिच 1 से 8, क्वाइल पिच 1 से 10, क्वाइल पिच 1 से 12 में कुछ इस तरीके से अपनी क्वाइल का साइज निकल जाएगा। और यहाँ पर क्वाइल का साइज निकालते हुए एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि अपनी स्टार्टिंग क्वाइल भी डल जाए इसके ऊपर, इस तरीके से अपने क्वाइल का साइज निकाले। तो यहाँ पर अपने क्वाइल का साइज पूरा निकल चुका है। तो अब देखते हैं कि भाई इस तार की कितनी लंबाई बैठी है। ठीक है, अपने ये अपनी क्वाइल का साइज है तो यहाँ पर अपना फीता लगा लेते हैं और इतने ही साइज में अपनी क्वाइल का तार बैठा था और अब देखते हैं कितनी इंच बैठी है। तो यहाँ पर जो है समथिंग भाई यहाँ पर जो है लगभग 31 इंच बैठी है। ठीक है, यहाँ पर जो अपने 30 मतलब 31 इंच कर लेंगे। ठीक है, गोलाई जो है 31 इंच कर लेंगे तो यहाँ पर अपने 31 इंच तो नहीं, यहाँ पर 30.5 इंच यानी कि आधा इंच का डिफरेंस है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आधा इंच में कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पर अपनी दो क्वाइलें बना ली हैं तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से अपनी दो क्वाइल रन की बन जाएंगी जिसमें मैंने 220 टन करी है 30 नंबर तार से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको क्वाइल बना लेनी है रन की। क्वाइल पिच 1 से 6 में एक बार डाल लेना, कुछ इस तरीके से क्वाइल पिच 1 से 8 में, सॉरी क्वाइल पिच 1 से 8 में एक बार डाल लेना है और कुछ इस तरीके से अपनी एक बार क्वाइल डल के रेडी हो चुकी। अब यहाँ पर जो आपको करना क्या है मैं आपको अब मेन पार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पर होता क्या है। तो भाई आपको करना होता ये है कि यहाँ पर जो है क्वाइल को बहुत से क्या करते हैं गलत तरीके से डालते हैं, मतलब डालने को तो मोटर चल जाएगी लेकिन आपको तरीका सही पता होना चाहिए ना डालने का, अगर आपको टाइम बचाना है तो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक साइड से मोड़ के डालना क्वाइल को, ना कि पूरी क्वाइल को पल्ले साइड ले जाकर डालना। ठीक है, यहाँ पर एक साइड से ही मोड़ लेना है एक हाथ से और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक स्लॉट में फिर से बैठा देना है, यही है भाई सही तरीका डालने का। ठीक है, और बहुत से क्या करते हैं कि पूरी क्वाइल को ले जाती हैं और फिर से इधर को लाते हैं ऐसा करते रहते हैं और इस वजह से क्वाइल जो है ढंग से नहीं डल पाती और क्वाइल मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है डालने में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको डाल लेना क्वाइल पिच 1 से 10 में। ठीक है, और ये जो है इन्फॉर्मेशन आपको जो बता रहा हूँ ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मेरे से गलती हुई थी पहले, जब मैं शुरू में काम सीख रहा था मैंने भी कुछ इस तरीके से गलती करी थी, तो यही चीज मैं आपको दोहरा रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। तो इसमें आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप भी भाई मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं वीडियो बहुत ज्यादा लेट डाल रहा हूं। ठीक है, यहां पर मेन कारण यही है कि मेरे दुकान पर बहुत ज्यादा काम आ रहा है और उसी काम में लजने की वजह से मैं ढंग से वीडियो भी नहीं बना पा रहा, तो कोई बात नहीं चलेगा, वीडियो तो अपनी आती रहेंगी फिर भी। तो यहां पर जो क्वाइल को फिर से इस तरीके से आपको मोड़ के डाल लेना, कैसे भी मोड़ लेना, इधर को मोड़ लेना चाहे उधर को मोड़ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपको जो है यहां पर डालना और मतलब फिनिशिंग के साथ ही करना काम। अगर आप फिनिशिंग के साथ नहीं करोगे तो यहाँ पर जो है मोटर, सही बताऊँ तो फिनिशिंग के साथ नहीं करते हैं ना ज़्यादातर, तो आपके दिक्कत क्या आती है कि मोटर हीट होने लग जाती है और यहाँ पर मतलब दिक्कत बनी जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत आई जाती है। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ करोगे ना काम तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अपने यहाँ पर जो है भाई क्वाइल डल के जो है पूरी रेडी हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अपनी क्वाइल डली है। तो यहाँ पर अपना भाई अगर आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर जो है अपनी क्वाइल का साइज बिल्कुल राइट है, ये भी नहीं है कि 1-2 इंच इधर उधर है, बिल्कुल ही फिक्स बैठा है रनिंग की क्वाइल जो है, ना ही छोटी है ना ही बड़ी है, बिल्कुल ही एक नंबर साइज कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपके स्टेटर का साइज भी कुछ इतना ही मोटा है, फर्राटा फैन की जो आउटर डाया इनर डाया तो सब लगभग सेम ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो अगर आपकी जो है स्टेटर का साइज थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है हल्का सा आधा इंच का, तो यहाँ पर क्वाइल का साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना और यहाँ पर कनेक्शन बोर्ड ध्यान देख लेना कि कनेक्शन किस तरीके से मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, अपनी ज्वाइंट क्वाइल है तो इस तरीके से कनेक्शन होते हैं, सीधे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जोड़ देना है कुछ इस तरीके से, मतलब सीधे हाथ से अगर आपका वहाँ पर कनेक्शन शुरू हो रहा है तो इस वाली क्वाइल के सीधे हाथ पर ही आना चाहिए उसका लास्ट वाला सिरा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने कनेक्शन पर जरूर ध्यान देना है और मतलब कनेक्शन ज़्यादा भारी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मोटर जो है सबसे आसान होती है बांधनी और मैंने भी कुछ इस तरीके की मोटर से ही काम, सबसे जो पहली मोटर बांधी थी वो मैंने ऐसी ही बांधी थी, वो हालांकि छोटी थी इससे लेकिन वो थी ऐसी। तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से क्वाइल जो है डाल देनी है। ठीक है, अब जो आपको करना क्या होता है, यहाँ पर जो है मतलब तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि कुछ इसे एक साइड से मोड़ के ही क्वाइल को डालना है। ठीक है, यहाँ पर इस
तरीके को आपको बिल्कुल याद रखना, ना कि पूरी कॉइल को मोड़ना। अगर आप मतलब काम सीख रहे हो ना मोबाइल पे देख के, मुझे बता कि ज़्यादातर लोग जो है मोबाइल पर देख के ही सीखते हैं आज के ज़माने में, क्योंकि मैंने भी हल्का बहुत भाई मोबाइल से देखा था तभी सीख पाया था। मतलब कोई सिखा के देता ही नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी पूरी कॉइल जो डल के रेडी हो चुकी है रनिंग की, कुछ इस तरीके से अपनी कॉइल डल जाती है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ डली है। ये भी नहीं है कि कॉइल बड़ी है ना ही कॉइल छोटी है, बिल्कुल एक नंबर साइज़ है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर जो अपने कॉटन टेप लगा लेते हैं। अगर आपके पास कॉटन टेप नहीं है तो यहाँ पर जो आप पेपर का ग्रीन शीट का भी यूज़ कर सकते हो सिलाई मारते टाइम। ठीक है, ग्रीन शीट लगा लेना, मतलब कभी कभी जो होता है कि कॉटन टेप बहुत से जगह नहीं मिलता, तो यहाँ पर जो आप ग्रीन शीट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग कॉइल भी मैंने बना ली है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग की कॉइल बनाते हुए एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक इंच इस रनिंग की कॉइल से 1 इंच आपको जो है छोटी कर देनी है। ठीक है, अगर आपकी रनिंग की कॉइल की गोलाई बैठी है 30 इंच, तो आपको जो है यहाँ पर 29 इंच स्टार्टिंग की कॉइल की गोलाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका तभी फिट बैठेगा अगर आप रनिंग की और कॉइल रनिंग की कॉइल और स्टार्टिंग की कॉइल का साइज गोलाई साइज अगर एक कर देते हो तो यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो चलेगा यहाँ पर जो है स्टार्टिंग कॉइल भी डालते हैं भाई। यहाँ पर कॉइल पीछे 1 साइड में फिर से डाल देना है। ठीक है, स्टार्टिंग की कॉइल और रनिंग की कॉइल बिल्कुल सेम टू सेम एक तरीके से डलती हैं जिस तरीके से, लेकिन हमें जो है ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से अपनी मतलब बीच में जो रनिंग की कॉइल डल चुकी हैं वहाँ पर जो उन्हें स्लॉट को छोड़ के जो अपने 1 साइड में 6-6 स्लॉट जो खाली बचे हैं उनमें डालना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कौन से स्लॉट में डाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको कॉइल को डालना है और फिर ऊपर से पीवीसी पेपर लगा देना है। और यहाँ पर दोनों ही कॉइल मतलब रनिंग की और स्टार्टिंग की सेम मतलब बिल्कुल तरीका एक ही है, बस थोड़ा सा जो है देखने का देख लेना एक बार मतलब वीडियो में किस तरीके से डाल रहा हूँ, आप बिल्कुल एक बार में ही देख के समझ जाओगे। अब इसको ऊपर से घुमा घुमा के डालते चले आना। ठीक है, दोनों कॉइलों को। तो वैसे यहाँ पर आपको थोड़े से कनेक्शन के बारे में बता दूँ, जिस तरीके से अपनी रनिंग की कॉइल के सिरे निकले थे उल्टे हाथ पे, तो उसी तरीके से इसके भी भाई सिरे उल्टे हाथ पे निकलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल के, तो जिस तरीके से अपनी रनिंग कॉइल डली है उसी तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल भी डल जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही ज्यादा सेम है। ठीक है, दोनों स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइल एक जैसी डलेंगे। अगर किसी कारण भाई आपके कनेक्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं तो मोटर जो घुनघुन करने लगेगी, मोटर चल ही नहीं पाएगी, तो यहाँ पर कनेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पर जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं वीडियो इतनी लेट क्यों लेकर आ रहा हूँ। तो भाई वीडियो लेट लाने का मेन मकसद यही है कि यहाँ पर जो अपनी एक तो दुकान पर बहुत ज्यादा काम आ रहा है। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह कि टाइम मिल ही नहीं पा रहा यार, काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो इसी वजह से भाई वीडियो नहीं बना पा रहा। तो यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइल जो है डल चुकी हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिनिशिंग देख सकते हो, तो भाई फिनिशिंग तो एक नंबर है, बिल्कुल भी कॉइल जो है यहाँ पर बड़ी नहीं है, मतलब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है स्टार्टिंग कॉइल हल्की सी यहाँ पर बड़ी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो भाई चलेगा, अब इसकी जो है पगड़ी कर लेते हैं। ठीक है, पगड़ी से मतलब है कि बैक साइड से यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी साइड में इसे पगड़ी बोलते हैं, और यहाँ पर अपनी बैक साइड से सिलाई कर लेते हैं, और पूरी बैक साइड से सिलाई करने के बाद फिर अपनी जो है कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर चलेगा, अपनी पूरी जो है यहाँ पर सिलाई हो चुकी है। तो आप अगर आप सिलाई कैसे भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिलाई कैसे भी कर लेना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत से मतलब हर जगह अलग अलग तरीके से, हर कोई अपना अलग अलग तरीका करता है, कोई मतलब गांठ लगा लगा करता है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, मतलब सिलाई की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पर कनेक्शन की बात होती है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको 2 तार ले लेने हैं, यहाँ पर जो 4 तार बना लेने हैं इसके। तो यहाँ पर 2 तार जो अपनी रनिंग में जोड़ेंगे और 2 तार जो अपनी स्टार्टिंग कॉइल में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपको पहले करना क्या, पहले इन तारों की सेटिंग बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पर जो सेटिंग बैठा लेनी है कुछ इस तरीके से, सबको एक तार को सबको इकट्ठा करके एक साइड को निकाल लेना कुछ इस तरीके से पूंछ बना के, और फिर इन्हें एक सार करके यहाँ पर काट देना है। ठीक है, यहाँ पर काटने के बाद फिर इन्हें छीलेंगे, छीलने के बाद जो है यहाँ पर इनमें जो कनेक्शन करेंगे। ठीक है, रनिंग में जो अपने लाल तार जोड़ेंगे और स्टार्टिंग में जो अपने हरी तार जोड़ेंगे। अगर आपके पास लाल और हरे नहीं है तो आप नीले कीले मतलब किस तरीके भी जोड़ सकते हो, लेकिन दोनों का कलर जो है थोड़ा सा अलग होना चाहिए कि रनिंग की कॉइल कौन सी है स्टार्टिंग कॉइल कौन सी है, क्योंकि हमें जो मेन करंट देना है वो रनिंग की कॉइल में देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो कंडेंसर के थ्रू जो करंट जाएगा वो भाई यहाँ पर स्टार्टिंग की कॉइलों में जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसी वजह से थोड़ा सा रंग का थोड़ा ध्यान रखें, मतलब कंडेंसर का तार कौन सी में लगाएं और उसका डायरेक्ट लाइट का कौन सी में लगाएं, मैं आगे समझा दूंगा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अब जो है 0 नंबर की स्लिप आपको डाल लेनी है, ताकि भाई यहाँ पर जो है काम जो है पक्का हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है 0 नंबर की स्लिप जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ताकि अगर आपकी मोटर हीट हो जाती है, हीट होने के बाद जो है शॉर्ट हो जाती है, तो शॉर्ट होने से बचाती है। ठीक है, यहाँ पर जो आप रनिंग की कॉइल में जो अपने सबसे पहले जो कॉइल डाली थी उसमें जो कुछ इस तरीके से आप तार को लिपेट के मतलब ज्वाइंट मार देंगे। ठीक है, लाल तार से आपको लीड बनाने लिए दो तार रनिंग में निकलते हैं, तो दोनों तारों में लाल लाल जोड़ देना है। ठीक है, लीड जो है सबसे इसी तरीके से बनती है, यहाँ पर जो है लीड का ध्यान रखना, लीड इसी तरीके से बनती है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ज्वाइंट मार के अपना आराम से
स्लिप चढ़ा देनी है इसके ऊपर दो नंबर की, ठीक है। जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं आपको ज्वाइंट मार के बता देता हूँ, ठीक है। तो वही यहाँ पर जो अपनी रनिंग की कॉइल में भी बांध लेना, फिर यहाँ पर जो अपनी स्टार्टिंग कॉइल, जो स्टार्टिंग कॉइल में अपने हरी तार जोड़ देनी है, ठीक है। यहाँ पर जो अपने ज्वाइंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहाँ पर जो दो नंबर की स्लिप जो चढ़ा देनी है दोनों तीनों चारों तारों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर चारों तारों पर स्लिप चढ़ाने के बाद यहाँ पर इसकी भाई बढ़िया तरीके से सिलाई मारनी है, ठीक है। यहाँ पर सिलाई जो है बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो है सिलाई बहुत टाइट करके मारनी है ताकि तार कोई खींचे धोखे से, अगर मतलब टाइट से खींचे जाए आप कवर उतर के नीचे गिर पड़े पंखे का, तो तार जो अंदर से ना खींच पाए, ठीक है। यहाँ पर जो बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिलाई मारनी है, यहाँ पर जो तार बिल्कुल भी ना खींच पाए, बस यही चीज़ का ध्यान रखना है। जो जो मेन पॉइंट है मैं आपको दो दो बार तीन तीन बार दोहरा के बताता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप रख के, अब आपको एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पर जो है इसके अंदर ग्रीन शीट लगानी है, इसके नीचे जो है जहाँ पर आपके ज्वाइंट है इन ज्वाइंटों के नीचे आपको यहाँ पर ग्रीन शीट का यूज़ करना, कुछ इस तरीके की ग्रीन शीट का, ताकि अगर आपकी शॉर्ट सर्किट हो तो ये जो ग्रीन शीट है ना बहुत बार मोटर को फूकने से बचाती है, बहुत ज़्यादा बचाती है। अगर कॉइल गर्म हो जाती है ना तो कभी कभी यहाँ पर जो है स्लिप जो है बेकार हो जाती है, जल जाती है, तो इस वजह से शॉर्ट हो जाती है मोटर, ज़्यादातर दिक्कत यही आ जाती है। लेकिन आपको ग्रीन शीट लगा के पक्का काम करना ताकि मोटर में जल्दी से शिकायत ना आए। तो कुछ इस तरीके से अपनी ग्रीन शीट लगा के यहाँ पर सिलाई मार देनी है, और यहाँ पर ये वाली गांठ मार के बहुत टाइट कर देनी है ताकि आपके तार जो हैं वो बिल्कुल भी ना खींच पाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब ये जो गांठ खुल नहीं सकती, सिर्फ काट के ही खुलेगी, वैसे खुल नहीं पाएगी, ठीक है। अब इसे जल्दी जल्दी सिलाई मार देते हैं। सिलाई हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, अपने तरीके से कैसे भी मार लेना, लेकिन आपको जो गांठ लगानी है बढ़िया तरीके से एक, उसे बहुत पक्का तरीके से लगाना ताकि आपकी जो तार हैं वो खींच ना पाए बाहर से। भाई यही चीज़ का आपको ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ता है मोटर बाइंड करते टाइम, और यही चीज़ मैं आपको बता देता हूं। और यहां पर जो यही चीज सीखने में लगभग एक एक दो दो तीन तीन चार चार साल जो है लोग लगा लेते हैं। तो अपनी जो है भाई यहां पर मोटर पूरी बंद के यहां पर रेडी हो चुकी है, ठीक है। यहां पर जो पूरी मोटर वाइंडिंग हो चुकी है और कुछ इस तरीके से अपनी लीडर बाहर निकल के आती है। अब इन्हें कितना भी खींचो ये सहज नहीं खींचेंगे, तार टूट तो जाएगा लेकिन खींचेगा नहीं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपनी अब पंखे में से अब ठोंकते हैं, किस तरीके से ठोंकना। यहाँ पर जो पंखे में जो है आपके, अगर आपके पास भी कुछ इस टाइप का पंखा है तो मैं पंखा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है ये पता पड़ सके कौन से पंखे का स्टेटर है, ठीक है। यहाँ पर जो टू ब्लेड के ज़्यादातर जो है एक जैसे स्टेटर होते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको रख के ठोंकना है जल्दी जल्दी। और यहाँ पर जो है एक सरिया ले लेनी है हाथ में, फिर हथौड़े से धीरे धीरे ठोंक देना है। और यहाँ पर एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें भाई, ठोंकते टाइम जो तार को ना कुचल दें, ठीक है। अगर तार कुचल मतलब पिच जाएगा तो यहाँ पर तार कट जाएगा, तो यहाँ पर ठोंकते टाइम थोड़ा सा देख के ठोंकना ताकि तार वार ना काट दो तुम, ठीक है। तो चलेगा, यहाँ पर अपना पूरा ठुक चुका है। और अब एक काम करते हैं कि इसके अंदर जो रोटर डाल के अब इसे चला कर देखते हैं कि ये कितनी तेज़ चलता है, कितनी तेज़ नहीं चलता है, चलता है नहीं चलता, चलेगा अब देखते हैं यहाँ पर इसे चला कर। तो यहाँ पर इसे जल्दी से फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी जो है मोटर जो है बिल्कुल सही चल रही है, और कुछ इस तरीके से अपना पंखा जो बिल्कुल सही चल रहा है। और मैं थोड़ा पीछे से दिखा देता हूँ, तो वैसे अपना पंखा तो यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर करने ही वाले हैं, ठीक है भाई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।